दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 5 जुलाई 2023 बुधवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है, इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 5 जुलाई 2023 की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, RRCNER रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत भर्ती निकली है। अप्रेंटिस के लिए 1104 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 3 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आवेदन करने की 2 अगस्त 2023 है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए फीस है। SST वोमेन PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना परीक्षा बिना एग्जाम की भर्ती है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NER.IndianRailways.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग JBT प्राइमरी टीचर की 293 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए शुरू होगी 20 जुलाई 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अगस्त 2023 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 14 अगस्त 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd और CTET से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 37 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस SC कैटेगरी के लिए ₹500 है, अदर के लिए 1,000 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है CHDEducation.gov.in जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट में, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। बिहार PRD की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंचायत राज ऑफिसर पंचायत राज पदाधिकारी की भर्ती है। 266 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 जुलाई 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 64 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है state.bihar.gov.in/bihar-prd। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी निकली है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC यानी कि लोक सेवा आयोग और वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत। पोस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि CDPO की भर्ती है। वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 17 जुलाई 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 अगस्त 2023 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 18 अगस्त 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 22 से 35, 37, 38 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UR, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 600 है।
SST के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। jpsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना के अंतर्गत भर्ती है। 55 NCC स्पेशल एंट्री कोर्स 2024 के माध्यम से भर्ती होगी। वैकेंसी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 5 जुलाई यानी कि आज ही है, आज ही से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 अगस्त 2023 है। सैलरी डिटेल की बात की जाए तो 56,100 से 1,77,500 है प्रति माह के लिए लेवल 10 के अंतर्गत। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, SSB इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर की जॉब है वो निकले है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड में, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB के अंतर्गत ये भर्ती है। एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ARS एग्जाम 2023 के माध्यम से भर्ती होगी। 260 वैकेंसी जहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए शुरू होने जा रही है आज ही से। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 जुलाई 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 26 जुलाई है। एग्जाम डेट अक्टूबर या नवंबर 2023 है। सैलरी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। PhD डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस UREWS OBC के लिए 800 है। ST PWBD या वोमेन कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ASRB.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर 7 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है NLC में, नेवल इग्नाइट कॉरपोरेशन के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल चीफ मैनेजर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर की 294 वैकेंसी जहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 5 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 अगस्त 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 3 अगस्त है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस ST PWD ई-सर्विसमैन को जमा नहीं करनी होगी। अदर के लिए ₹354 एप्लीकेशन फीस है। बिना एग्जाम बिना परीक्षा के भर्ती है। पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। NLCIndia.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की यानी कि 5 जुलाई 2023 बुधवार की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट IndSarkariNaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।